कुछ दिन पूर्व इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र स्थित औद्योगिक क्षेत्र में सत्यमित्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में चार मजदूरों की जहरीली गैस से चलते आंखें खराब हो गई थी। हादसे के बाद कंपनी के डायरेक्टर पंकज खंडेलवाल और राजू खंडेलवाल मौके से भाग निकले थे। वहीं अखिल भारतीय भलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार और उनके साथियों ने पीड़ितों को अरविंदो हॉस्पिटल पहुंचाया, जिसके बाद बाणगंगा थाने और DIG कार्यालय के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। घटना के दो दिनों बाद बाणगंगा थाने के ठेकेदार और सुपरवाइजर पर पुलिस ने केस दर्ज कर दिया था। मामले में सोमवार को समाजसेवी मनोज परमार अपने साथियों के साथ पीड़ित को लेकर रेसिडेंसी कोठी पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर मनीष सिंह, क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला और मंत्री तुलसीराम सिलावट से मुलाकात की और पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की मांग की। इस दौरान परमार ने मीडिया के सामने बताया कि कलेक्टर ने उक्त फैक्ट्री को सील करने के आदेश दिए हैं। वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी के पीड़ितों को 10,000 रुपये का मुआवजा देने की बात कही है। साथ ही पीड़ितों का इलाज शंकर हॉस्पिटल में करवाने को कहा गया है। इंदौर से ब्यूरो के सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। मैं पूरी कोशिश करूंगा इनकी भावनाओं को मुख्यमंत्री से बात कर उनके मुख्यमंत्री राहत कोष से अधिक मदद कराने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये समाज का अंतिम व्यक्ति है, उसकी पूरी मदद की जाएगी। इनके साथ पूरी सरकार खड़ी है, मुख्यमंत्री शिवराज जी खड़े हैं और सरकार का एक इनका मंत्री। जहां पर घटना हुआ उन लोगों ने साथ नहीं दिया इनका, उसकी पूरे मेरे संज्ञान में उसकी जाँच करा रहा। सत्यमित्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि सावे रोड स्थित है, यहाँ पर काम करने वाले चार मजदूरों की आंखों की रोशनी पिछले दिनों चले गई थी, क्योंकि वहाँ पर केमिकल का गैस का रिसाव हो गया था और जिम्मेदारी लेने की बजाय, मजदूरों का इलाज कराने की बजाय, वहाँ के डायरेक्टर पंकज खंडेलवाल और राजू खंडेलवाल दोनों ही स्थान से भाग गए और इनको बेहोशी की हालत में जो है परिजन और हमारे संगठन के कार्यकर्ता अस्पताल लेके गए थे और इलाज कराया था, किंतु इलाज के दौरान भी उनकी आंखें अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, आंखें पूरी तरह खराब हो चुकी है। ऐसी स्थिति में कंपनी मालिक को इनको आर्थिक मुआवजा और राशि देना चाहिए थी, जो कि उन्होंने तिरस्कार करते हुए, अपमानित करते हुए इन्हें भगा दिया। आज हम पुलिस प्रशासन से भी हमने शिकायत दर्ज की थी, माननीय DIG साहब को भी शिकायत की थी, पुलिस थाना बाणगंगा में भी शिकायत की थी, किंतु पंकज खंडेलवाल और राजीव खंडेलवाल दोनों की मिली भगत से उन दोनों मालिकों को बचा लिया गया है। ठेकेदार और सुपरवाइजर पर केस प्रकरण दर्ज किया गया है, जो कि यह अनैतिक है, यह गलत बात है कि हमारे मजदूरों के साथ अन्याय हुआ है। इस बात को लेकर आज माननीय कलेक्टर महोदय से, क्षेत्रीय विधायक रमेश जी मेंदोला से मिले थे हम और माननीय प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम जी सिलावट से मिले थे, उनको हमने यथास्थिति से अवगत कराया। मंत्री जी ने फैक्ट्री मालिक पर कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया। माननीय कलेक्टर महोदय ने रेड क्रॉस सोसाइटी से 10,000 रुपये की मुआवजा राशि देने का बोला, साथ ही कोई निजी हॉस्पिटल है शंकर हॉस्पिटल, वहां पर इलाज कराने के लिए कहा है और फैक्ट्री को सील करने के आदेश भी दिए। उन्होंने तत्काल ADM अजय देव शर्मा को कहा है, ललवानी जी ने 5,000 रुपये मुआवजा राशि दी है अजय देव शर्मा जी के मार्फत, जो है फैक्ट्री को सील करने का आदेश दिया गया है। ना तो बीमा है, ना PF है और ना ही ESI है, किसी तरह की सुविधा नहीं है, मजदूरों को कोई सुरक्षा के उपकरण नहीं दिए जाते, इसके कारण आज ये चार मजदूर अपनी ज़िंदगी देख नहीं पा रहे हैं, आंखें इनकी समाप्त हो चुकी है और भविष्य में ऐसे कोई भी मजदूर अपनी आंखें ना खोए, इसलिए उस फैक्ट्री को सील कर दिया जाना चाहिए। यह हमारा अनुरोध था जो माननीय कलेक्टर महोदय ने मान लिया और कलेक्टर साहब ने आदेश कर दिया कि फैक्ट्री सील कर दी जाए और इनको मुआवजा राशि दी जाए। मेरा नाम मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।